जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप जो है SSC CHSL 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिल्कुल जो है घर बैठे खुद से। और पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस आपके सामने मैं लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको भरना है बिना कोई मिस्टेक के, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, OTR से लेकर के फाइनल प्रिंट तक बताऊंगा, पेमेंट तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि न्यू वेबसाइट इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका मैं नोटिस आपको दिखा देता हूं, जो कि इसका जो ऑनलाइन का डेट रखा गया है वो 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक, और 8 मई लास्ट डेट है पेमेंट का, और 10 से 11 मई आपका करेक्शन का डेट है, यानी कि कुछ गलती वगैरह हो जाता है अप्लीकेशन में तब उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको इस वाले वेबसाइट पर आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्टर का नाउ का एक सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आपका जो है 4 चरण में आपका कंप्लीट होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है रजिस्ट्रेशन का जो है फॉर्म खुल जाएगा। अब इसको दोस्तों हम बताते हैं आपको कैसे भरना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है पर्सनल डिटेल। उसमें जो पहला नंबर में बोल रहा है कि क्या आपके पास में आधार कार्ड है, तो मोस्टली सबके पास आधार कार्ड होता है, तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे। यहाँ पर ना जो आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, जो भी आपके पास में आधार कार्ड नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है, लेकिन है तो आप यहाँ लिखेंगे, फिर दोबारा आपको आधार नंबर डाल करके वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी आप डिटेल यहाँ पर डालेंगे दो दो बार आपको फिल करना होगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। SSC के द्वारा ये चीज लगाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर है तो यस करके डाल लेंगे, फिर दोबारा जो है कंफर्म करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन जब आप नो करेंगे, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उस स्थिति में आपको कोई आधार कार्ड के अलावा कोई भी एक आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल का आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी। लेकिन अगर है यस करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक देख सकते हैं गायब हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो भी नाम होगा वो सही से यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर वेरिफिकेशन कर लेंगे दोबारा वही नाम डाल करके। फिर यहाँ पर पूछ रहा है चौथा नंबर में कि क्या आपने कभी अपना नाम को चेंज किया है, तो अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किए होंगे तो यस करेंगे। जो फिर आपका सही नाम है, चेंज करने के बाद फाइनल नाम है, वो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर दोबारा कन्फर्म कर देंगे, अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर पे आएगा, यहाँ पे आप चूज कर लेंगे मेल है फीमेल है, ठीक है, जो भी रहेंगे आप चूज करके, फिर आपको इसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। जो कैलेंडर आपको दिख रहा है इसमें चूज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसमें बैक जाएंगे तो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ईयर, फिर उसके बाद मंथ मिल जाएगा, फिर उसके बाद दिन मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा इसी तरीके से यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आता है दोस्तों 7 नंबर में फादर्स नेम, फादर्स नेम डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आता है 8 नंबर में मदर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पर डालेंगे, फिर वेरीफाई कर लेंगे। 9 नंबर में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब आपने जो मैट्रिक की परीक्षा पास किया है वो कौन सा बोर्ड से पास किया है, तो यहाँ सेलेक्ट पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा जितना भी इंडिया में जितना भी बोर्ड है जो कंडक्ट करवाता है वो सभी का आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम सर्च करके जो है बोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो बिहार हम जैसे ही सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आ चुका है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसी तरीके से आपको भी सर्च मार के अपना चूज कर लेना है, फिर दोबारा दोस्तों यहाँ पर जो आपको कंफर्म करके वही चीज वहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ था मैट्रिक का रोल नंबर आपको फिलअप कर देना है सही सही, फिर दोबारा यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है पासिंग ऑफ ईयर, आपने कौन सा साल में जो मैट्रिक पास किया वो यहाँ पर चूज करेंगे, फिर दोबारा कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है हाइएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, मतलब आपने जो है अधिकतम कहाँ तक पढ़ाई की है। जब आपका कंप्लीट हो गया होगा कोई कोर्स तभी वो फाइनल में माना जाएगा, या तो आपका डिप्लोमा हाईएस्ट होगा, या तो फिर आपका 12th होगा यानी कि हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2, या तो फिर आपका मैट्रिकुलेशन भी हो सकता है, जो भी आपका हो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे आता है एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, तो ये दोनों एकदम आपको बिल्कुल सही सही डालना है, क्योंकि इस पर OTP जाएगा और फिर वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप अपना जो है कोई भी दोस्तों यहाँ पर आप 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर अपना सही सही फिलअप कर देंगे, फिर देख सकते हैं सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है, फिर सेंड OTP दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से ईमेल भी डाल देंगे, फिर जैसे ईमेल डाल देंगे तो सेंड OTP के यहाँ पर ऑप्शन आएगा, फिर दोनों पर सेंड OTP क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे ही OTP आपके मोबाइल और ईमेल पर जाएगा, फिर दोनों को दोस्तों यहाँ पर आपको डाल करके वैलिड कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो इंटर मोबाइल OTP,
फिर इंटर ईमेल आईडी ओटीपी, तो दोनों यहाँ पे डाल देना आपको। फिर दोस्तों जैसे आप ओटीपी फिल कर देंगे तो यहाँ पे एक वैलिड का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वैलिड हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओटीपी आपने सही डाला है। तो दोनों को इसी तरीके से वैलिड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वैलिड आप कर लेते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको ओके का मैसेज आ जाएगा, फिर आपको ओके कर देना है। फिर आप आ जाएंगे एड्रेस वाले सेक्शन पे, ठीक है। एड्रेस वाले सेक्शन पर दोस्तों आप आ जाएंगे, तब यहाँ से दोस्तों आपको अपना एड्रेस को चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप कौन सा कैटेगरी से यहाँ पे आप चूज करेंगे, बीसी ओबीसी, ठीक है। उसको दोबारा वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको नेशनलिटी चूज कर लेना है कि आपने क्या क्या जो है नेशनलिटी आपका क्या क्या है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका विजुअल आइडेंटिफिकेशन, आपके हैंड पर मतलब कुछ कटा छटा बॉडी मार्क कुछ भी है तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि आपका अगर गाल में तिल है तो ए मोल ऑन राइट चीक या तो लेफ्ट चीक जिधर भी होगा, अगर कटा छटा निशान है तो फोर हेड कट मार्क मारेंगे, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर पांचवा पूछ रहा है आर यू विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, आप जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं डिसेबिलिटी, तो आप यस अगर हैं तो यस करेंगे, तो उस स्थिति में आपका यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन है, डबल एच है या ओ एच वाला है, तो आप चूज कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है सिक्स में परमानेंट एड्रेस, आपका यहाँ पे दोस्तों सही सही अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देना है यहाँ पे। उसके बाद अपना आता है यहाँ पर स्टेट या तो यूटी आप चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अपना आता है डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी है सब आप जैसे ही अपना स्टेट चूज करेंगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसमें आप सर्च भी करके यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे चूज कर लेंगे यहाँ पे आपको अपना फिर पिन कोड डाल देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जिला का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है कोरस्पोंडिंग एड्रेस वाला, तो अगर यस है, अगर हाँ है तो यस करेंगे। तो जो भी आप जैसे कि यहाँ पे हम अपना शेखपुरा चूज कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि कोई भी बात के मतलब यहाँ पर चूज किए, उसके बाद पिन कोड यहाँ पर हम दोस्तों डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर यस करते हैं तो सेम ये वाला एड्रेस यहाँ पर छप जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो करके अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पे एड्रेस आपका ऐड हो जाएगा। फिर ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपका फाइनल आ चुका है, ठीक है। लास्ट पोजीशन यहाँ पर है, बस आपको एक बार क्या करना है तो एक बार प्रीव्यू ले लेना है ओटीआर का, जितना भी आपने डाटा भरा है क्या वो सही है, एक बार दोस्तों यहाँ पर आप जो है मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिलाने के बाद ही दोस्तों आपको सबमिट करना है। यहाँ पर जब आप मिला लेंगे, जब आपको लगे कि हाँ सारा कुछ सही है, तब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबमिट कर देना है, डिक्लेयर यहाँ पे क्लिक करके आपको डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। फिर दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर जो है डिक्लेयर पे क्लिक कर देते हैं तो सक्सेसफुली जो है आपका यहाँ पर जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और आपके मोबाइल पर जो है ओटी सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट वहां पर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने अभी आपको रजिस्टर करके बताया ओटी या रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बना हुआ, वो भी जा करके देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बता भी दिया, ठीक है। पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके दोस्तों कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट डाल करके लॉगिन कर लेना है, तो यहाँ पर आप अपना डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका नाम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम सारा कुछ दिखाने लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा लाइव एग्जामिनेशन। लाइव एग्जामिनेशन में मतलब कि जो भी आपका करेंट में आया हुआ है वैकेंसी वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो वैकेंसी दिख रहा है, एक तो जूनियर इंजीनियर का आया है, एक आपका है सीएचएसएल का, ठीक है। तो आपको उसके सामने जो है देखिए डेट वगैरह सारा कुछ इसका दिया हुआ है, फिर अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इसके अप्लाई सेक्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सभी इंस्ट्रक्शन चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना आपको फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का कुछ जो यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम और आपके माता पिताजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपका एज कितना हुआ, ये सब सब कुछ आ जाएगा जैसे पुराने वाले वेबसाइट में होता था, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ पे आप चूज कर लेंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से आपको जो है क्या बोल रहा है, तो डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप जो है चूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपको क्वालिफाइंग एजुकेशन यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। जैसे कि अगर बात करें एजुकेशन डिटेल में, तो ये तो आपका हाईएस्ट हुआ यानी कि 12th, और क्वालिफिकेशन मतलब किस लेवल पर आपको फॉर्म भरना है, तो ये तो 12th लेवल पर है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 12th लेवल आएगा, या तो कोई इक्विवेलेंट या 12th तो वो भी भर सकते हैं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ, तो
मतलब कि जैसे कोई डिप्लोमा 3 साल वाला करते हैं तो वो भी भर सकते हैं, और यहाँ पे एक और डिग्री का जो है दिया हुआ है, तो आप सभी लोग अपना चूज कर लेंगे 12th। उसके बाद आगे बढ़ना, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप पास हैं या तो फिर इसमें अभी अपेयरिंग है, तो आपको यहाँ चूज कर लेना है पास या अपेयरिंग। फिर उसके बाद पासिंग ईयर बताना है कि आपने जो है 12th कब पास किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका स्टेट पूछा जाएगा क्या, जो आप कौन सा स्टेट से हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है ये बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है कि आप जो कौन सा जो बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं अपना 12th यानी कि इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है इंटर वाला यानी 12th का। उसके बाद यहाँ पे अपना परसेंटेज डालना है, कितना परसेंटेज आया था। अगर आपका जो CGPA में मार्क होगा तो आप यहाँ पे CGPA डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली जो है सेव्ड हो जाएगा। फिर ओके पर क्लिक करना है। फिर ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है लोडिंग लेगा। फिर अगला आपका पेज आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ तीन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन, क्या आप एक सर्विस मैन हैं किसी भी आर्म फोर्सेस में यानी कि पहले से जॉब करते हैं, तो अगर यस है, अगर हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक। फिर पूछ रहा है कि क्या आपका जो एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर चाहिए भाई वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर हाँ तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आता है दोस्तों यहाँ पर कि क्या मतलब आप स्पेशल जो है डिफरेंटेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट हैं, जैसे कि डिसेबल्ड कैटेगरी से जो लोग आता है विकलांग वगैरह उसके लिए, अगर हैं तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपको सिंपली जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, यहाँ पर आपको भरना है एग्जामिनेशन सेंटर का प्रिफ्रेंस देना है। पहला प्रिफ्रेंस यहाँ पर है सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि गया आ गया ये सब आ गया, फिर यहाँ पर चूज करेंगे प्रिफ्रेंस 2 में। फिर उसके बाद आपको चूज कर लेना है, यहाँ से आप अपना जो देखिए दोस्तों सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पटना डालना है पटना डाल दिए। प्रिफ्रेंस 3 में आपको देखना है जो भी आपको डालना है तो वो आप यहाँ पे दोस्तों डाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रिफ्रेंस आपको देना है, जो भी आपके नजदीक पड़े आप वो डाल सकते हैं, ओके। उसके बाद अगला हम दोस्तों बात करते हैं मीडिया फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको मतलब कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना है, हिंदी या तो इंग्लिश। देखिए बहुत सारा लैंग्वेज में, 23 लैंग्वेज में आपका ये एग्जाम होने वाला है, तो आप दोस्तों चूज कर लेंगे, ठीक है। तो वही लैंग्वेज में आपका वहां पे एग्जाम में शो करेगा एग्जाम जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, यहाँ पे आपको चूज कर लेना दोस्तों, ठीक है, और दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू ए पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज 40% या मोर, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे वरना नो। ऐसे तो ये ऑटोमेटिक ये डिसेबल रहेगा क्योंकि आपने पहले ही जो है इसको डिसेबल कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, वरना आपको नो कर देना है सिंपली से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 12th स्टैंडर्ड पास साइंस, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, मतलब आपने जो 12th किया है उसमें जो साइंस से जो आपने 12th किया क्या उसमें मैथ है, अगर है तो यस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको जो डीओ वाला जो वैकेंसी है ना डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा मिनिस्ट्री मेंशन जो उसमें किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रहेगा तो आपको थोड़ा सा चांस मिलेगा ज्यादा डीओ मिलने का, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये भी डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेन चीज आता है अपलोड करने का, फोटोग्राफ, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लाइव फोटो इस बार अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, और आपका जो सिग्नेचर है वो आप ऐसे अपलोड कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिग्नेचर का साइज बता देता हूँ, तो सिग्नेचर जो आपका है 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और एप्लीकेशन विथ ब्लर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, मतलब कि आपका जो सिग्नेचर वो ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, अच्छा से दिखना चाहिए, ठीक है, और पूरा जो उसका फ्रेम में आना चाहिए, ठीक है। और अब फोटो की बात करें दोस्तों तो क्या बताया गया कि फाइंड ए प्लेस गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, मतलब आपके घर में कोई भी पलस्तरा वाला दीवार होगा या पेंट वाला, तो पीछे में कुछ भी दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट बैक में अच्छे से मार लीजिएगा। उसके बाद ही आपको क्या करना है, तो दोस्तों फोटो लेना है, ठीक है। पोजिशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड लुक स्ट्रेंथ अहेड, मतलब आप अगर लैपटॉप से जैसे कि लेते हैं तो आपका फ्रंट एकदम पूरा क्लीन आना चाहिए, ठीक है, कोई भी जो है लाइव फोटो में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप साइबर कैफे में भरेंगे तो वो तो अच्छे से कर देगा, अगर आप खुद से भर रहे हैं ना तो आपके लिए हम एक चीज यहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया दोस्तों, अगर आप जैसे कंप्यूटर से नहीं फोटो क्लिक कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, ठीक है। इस क्यूआर कोड को आप जैसे स्कैन करेंगे तो आपके फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा,
और फिर उससे आपको क्या करना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसके बाद आपको डालना है क्या चीज, तो अपना पासपोर्ट और लॉगिन कर लेना है और उसमें आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं ऊपर से स्कैनर निकाला, ठीक है, और स्कैनर निकाल करके दोस्तों मैं इधर यहाँ पे क्लिक किया था, एक लिंक आया उस पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए मैं माई एसएससी करके एक ऐप आ गया, मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको पहले से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड ओपन मैंने किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा सब कुछ, प्रीव्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डाटा है वो आ जाएगा, लेकिन फोटो खींचना है आपको तो आपको कैप्चर पर आपको क्लिक करके और किसी भी व्यक्ति को दे देना है फोन, वो आपका फोटो खींच लेगा। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से कैप्चर पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो है फोटो होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो कोना में आपको ये नीचे में एक आइकन दिख रहा है ना यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करके आपको एक अच्छा सा सेल्फी ले लेना है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने जो है मोबाइल से किस तरीके से फोटो खींचा, फिर उसके बाद आपको अपलोड वाला एक सेक्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपलोड कर देंगे तो फिर बोलेगा कि फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली कंटिन्यू ए वेबसाइट, तो रिटर्न कर देंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो है फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने फोटो और सिग्नेचर जो है सभी को अपलोड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो एक बार फाइनल आपका जो प्रीव्यू यहाँ पर दोस्तों दे देगा। यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है कि जो भी आपने डिटेल भरा है अगर वो सही नहीं है, तो आप यहाँ देखिए हर एक कॉलम का अलग अलग दे रहा है। जैसे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में एडिट करना चाहते हैं, टाइपिंग में, मीडिया फॉर एग्जाम में, तो आप ये चीज देख लेंगे एक बार, और सही सही जब आपका रहेगा तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री पर क्लिक करना है। फिर ये वाला जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल करके दोस्तों आपको फिर लास्ट में जो है फाइनल यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म रिसीव हो जाएगा आपके पास, आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप अगर आप SC ST या गर्ल्स है तो आपके पास जो है पैसा नहीं लिया जाएगा, अगर आप मेल हैं या तो फिर अदर कैटेगरी से आपका जो 100 रुपये लगने वाला है। पे पर क्लिक करेंगे दोस्तों, पे पर देखिए एप्लीकेशन इज बेइंग प्लीज कंप्लीट इट बिफोर पेमेंट। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर आपका हो चुका है, आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पर भी जाएंगे, पेमेंट कर देंगे, आपका फाइनल सक्सेसफुली यहाँ से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे अपने प्रोफाइल पर। अब आपको कैसे पेमेंट करना मैं आपको बता दूं, अगर वहां से पेमेंट कट जाएगा तब ठीक है, नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, वापस डैशबोर्ड पर क्लिक करके आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद लाइव परीक्षा यानी कि जो लाइव एग्जामिनेशन दिख रहा था उसके बगल में एक माई एप्लीकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा जो भी आपने फॉर्म भरा है। अब देखिए मैंने अगर अभी पेमेंट नहीं किया तो मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है, फिर पे पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए अभी सर्वर जो है स्लो चल रहा है, बस आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो UPI, फोन पे, पेटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ से भी आपको पेमेंट कर देना है, फिर फाइनल आपका सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी जो है पेमेंट नहीं हो रहा है, आप सभी लोग को मैंने दिखा दिया लाइव करके पूरा, तो पसंद आया होगा वीडियो आशा करते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है आप सभी लोग के लिए बनाने में वीडियो। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।